हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम के बारे में। तो ये न्यूज़ सुन के आप थोड़ा चौंकिएगा मत, क्योंकि ये अपडेट थोड़ा पुराना भी है और इसमें एक नया अपडेट एक और आया है काफी कमाल का। तो पुराना अपडेट पहले आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था डॉक्टर डूम के ऊपर, जिसमें कि नोवा हाले जो कि लीजिन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं डॉक्टर डूम के ऊपर एक सोलो मूवी बनाऊंगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, IMDB पे चेक कर सकते हो। नोवा हाल में डालकर उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि वो डॉक्टर डूम पर एक सोलो मूवी बनाएंगे। अब नया अपडेट ये है, जब से डिज्नी और फॉक्स की डील हुई है और 2019 में ये डील खत्म भी हो जाएगी, उनका कहना है कि ये थैनोस की जगह रिप्लेस करें और 2028 तक डॉक्टर डूम एक थैनोस की जगह बनाए रखे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि ये कैरेक्टर काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा और सुपर हीरो से लड़ता रहेगा। और डॉक्टर डूम को याद आते ही मेरे को गैलेक्टस और फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर याद आ जाती है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि फैंटास्टिक फोर जल्दी ही हमें 2023 में या 24 में दिखने वाले हैं MCU में और डॉक्टर डूम लॉन्ग लाइफ तक। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो। और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।